गुना जिले के खनिज अधिकारी दीपक सक्सेना और उनके सहायक बाबू को लोकायुक्त ग्वालियर की टीम ने शुक्रवार को 41,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले को लेकर फरियादी ऋषिकेश सेन का कहना है कि वह ठेकेदारी का काम करता है। वर्तमान में उनका काम गुना विकास खंड में चल रहा है। उन्हें कुछ बोर खोदने का काम मिला था, इसके लिए खनिज विभाग से अनुमति लेनी होती है। इसके एवज में प्रभारी खनिज अधिकारी दीपक सक्सेना ने उनसे पैसों की मांग की, जिसके बाद परेशान होकर ऋषिकेश सेन ने लोकायुक्त एसपी से इसकी शिकायत की। शिकायत मिलते ही एसपी ने एक अधिकारी को इस मामले की जांच सौंपी। वहीं जब शुक्रवार को ऋषिकेश सेन 41,000 रुपए लेकर खनिज अधिकारी को देने पहुंचे, उन्होंने पैसे खनिज अधिकारी के सहायक ग्रेड 3 दीपक भार्गव को दिया। जैसे ही उन्होंने पैसे दिए, पहले से ही तैयार लोकायुक्त की टीम ने उन्हें पकड़ लिया। साथ ही रिश्वत के 41,000 रुपए दीपक भार्गव के पास से बरामद किए हैं और लोकायुक्त की टीम ठेकेदार और बाबू दोनों को अपने साथ ले गई है। इसमें ऋषिकेश सेन है, जिन्होंने लोकायुक्त कार्यालय में 21/11/24 को शिकायत एसपी साहब को की थी कि दीपक सक्सेना प्रभारी खनिज अधिकारी द्वारा उनसे कुएं खुदाई के एवज में, परमिशन के एवज में पैसे मांगे जा रहे हैं। प्रति कुएं के हिसाब से वो 10,000 रुपए की मांग कर रहे थे। मतलब ग्राम छिपौन में जो तहसील गुना के अंतर्गत आता है, उसमें 7 कुएं का कुछ निर्माण कर रहे थे। ठेके का काम दिया था बॉकलैन के माध्यम से, तो उसके लिए ये 10,000 रुपए प्रति कुएं के हिसाब से मांग कर रहे थे। तो इसका शिकायत उन्होंने की थी, एसपी साहब ने ये शिकायत मेरे को दी। मैंने इसकी बात पूरी आवेदन पर कार्रवाई करते हुए इसका सत्यापन कराया। सत्यापन करने पर इसकी शिकायत सही पाई गई, जिसके एवज में उसने 15,000 रुपए पहले ही दे चुका था। आज 41,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों इसके जो सहायक दीपक सक्सेना जी के सहायक 3 दीपक भार्गव हैं, उनसे राशि बरामद की।